तीसरे दौर के चुनाव प्रचार के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को झारखंड पहुंचे। हजारीबाग में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद की राजनीति बंद होनी चाहिए, क्योंकि देश का भला विकास की राजनीति से ही हो सकता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो झारखंड में विकास के लिए सरकार चुने। प्रधानमंत्री ने कहा कि झारखंड में विकास की गंगा बहाने के लिए जरूरी है कि लोग पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में भाजपा की सरकार बनाए। हमें विकास की राजनीति करनी है। यहाँ पर इतना कोयला हो, यहाँ से बिजली सारे हिंदुस्तान को रोशन करती हो, लेकिन मेरे झारखंड में अंधेरा हो, ये कब तक चलेगा? अंधेरा यहां से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यहां रोशनी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? बच्चों को परीक्षा है तो बिजली का गोला चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं चल रहा है, मुझे स्थिति बदलनी है। झारखंड की सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को राज्य में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कांके में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम लोगों को सशक्त करने के लिए काम करती है, जबकि प्रधानमंत्री सारी ताकत अपने हाथ में रखना चाहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति हम हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदुस्तान की महिला, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के किसान के हाथ में डाले। हमारे प्रधानमंत्री जी है तो कहते हैं पूरी शक्ति मुझे दे दो और मैं हिंदुस्तान को बदल डालूं। तीसरे चरण के 17 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार अब अपने अंतिम चरण पे है, जहां आज झारखंड की धरती पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गर्जे और भाजपा को प्रदेश के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार ठहराया। वहीं हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब इस प्रदेश को परिवारवाद और जातिवाद से आगे उठकर विकास की बात करने की जरूरत है और ये जो प्रदेश है वो नंबर वन बन सकता है। मैं अपने सहयोगी राजेश राज, अनिल दुबे के साथ, कैमरामैन विनय तिवारी के साथ, ओम प्रकाश दास, हजारीबाग, झारखंड।